दौड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पुलिस उनको दौड़ रही है को देखकर हम मजा आता है। यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हंगामा करे तो उसके बाद लाठियों से मारा गया है जो पकड़ने की उधर मना ना तुम दिया जाए तुम लोग को बहुत मान रखे मान रखे। चलिए चलिए पकड़े चले चले ले चला इसका मांग रख रहे हैं मांग रख रहे हैं। चलो हम लोग कुछ कर रहे हैं सर। हम लोग का प्रदर्शन इसी कारण था क्योंकि जो सरकार ने क्वालिफाई कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी सबसे पहले 12 मार्च को उसमें 24,599 बच्चे पास थे और सीट कितने थे 37,400 समथिंग। जब सीट से कम बच्चे क्वालिफाई किए तो सबकी जॉब होनी चाहिए ऐसा शिक्षा मंत्री ने भी बोला था, आईएएस संजय कुमार ने भी बोला था, नंदकिशोर जी ने भी बोला था और नीतीश कुमार जी ने भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोला था। अभी क्या हुआ 21 जून को 3 सब्जेक्ट की रिजल्ट बाकी थी उर्दू की विज्ञान की और संस्कृत की उसका रिजल्ट इन्होंने जारी किया और जो है इन्होंने मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम उसमें ऐड कर दिया। हालांकि उस वो कॉलम जो है इन्होंने फिर बाद में हम लोगों ने आंदोलन किया 2-3 दिन बाद तो इन्होंने हटा दिया और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सबको मौका दिया जाएगा। अब ये बताइए टोटल सीट है 37,400 कैंडिडेट्स हैं 70,000 के अप्रॉक्स वो कैसे हुए 24,499 पहले से थे और बैकडोर से कुछ एंट्री हुई है। अभी कितनी हुई है बैकडोर से एंट्री कौन किस साल की है इस साल की है इस 2019 वाली की ठीक है और क्योंकि यही बैकडोर की एंट्री के कारण इन्होंने 3 महीने गैप दिया था। अगर नहीं दिया तो ये जो है डेटा जारी करें कि 12 मार्च को जो है कौन कौन क्वालिफाई किए थे जारी करें रिजल्ट। तो क्या हुआ हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अब आप ही बताइए सर अगर किसी चीज़ में अगर किसी जॉब में 5 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और सीट एक ही हो तो ये कहाँ इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है क्या आप लोग का क्या हम लोग का यही डिमांड है कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं चाहे आप बैकडोर से किए या कैसे भी 12 मार्च के हिसाब से जो है आप सबको नियुक्ति प्रदान कीजिए और नियुक्ति नियोजन नहीं क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। अब बाद में जाकर नियम बदल दीजिएगा तो ये नहीं होने वाला है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है।